को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड दी है आशीष मिश्रा की। उत्तर प्रदेश पुलिस को लखीमपुर मामले में जो जांच चल रही है उस पूरे मामले में आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड 14 दिन की पुलिस चाहती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस 3 अक्टूबर को लखीमपुर कांड में 8 लोगों की मौत हुई थी, तो आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेजा। बड़ी खबर इस समय की, गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गिरफ्तारी उनकी हुई थी और उसके बाद रात में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज पुलिस ने पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी कोर्ट से 14 दिन की। 12 से 15 दिनांक 12/10 से 15/10 तक 3 दिन की। बता तो दिया भाई, 3 दिन का अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें सर? क्या शर्तें? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते हैं। मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। तो न्यायालय के द्वारा 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए आशीष मिश्रा 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक यह अवधि रहेगी। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, न्यायालय के द्वारा 3 दिन की रिमांड उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई है। लखीमपुर मामले में 8 लोगों की जान गई थी, उसी मामले की जांच को लेकर पुलिस के द्वारा 14 दिन पुलिस कस्टडी मांगी गई थी आशीष मिश्रा की, लेकिन 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। उसमें शर्तों के साथ ये रिमांड दी गई है पुलिस को, मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और जो वकील हैं आशीष मिश्रा के वो दूर से पूरी पूछताछ को देख सकते हैं। तो कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। लखीमपुर हिंसा मामले में ये रिमांड न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई है आशीष मिश्रा की। हालांकि पुलिस की तरफ से 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन न्यायालय ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद जांच कहां तक पहुंची इस पर बहस के बाद अपना फैसला सुनाया और 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड भेजा गया। इस वक्त एसपीओ हमारे साथ मौजूद है। यादव जी, क्या क्या बात हुई, कब तक के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है? 3 दिवस का रिमांड स्वीकार किया गया है। 14 दिन की मांग की थी हमने, बट 3 दिन स्वीकार करते हुए 12/10 से 15/10 तक का स्वीकार किया गया। किन शर्तों के साथ में पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है? मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर से परिस्थितियों को देख सकेंगे। मेडिकल टीम भी साथ में रहेगी? मेडिकल टीम के लिए नहीं कहा गया है। किसी जगह के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि किस जगह पर? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई वीडियो का भी विवेचना का विषय है। मतलब 3 दिन की रिमांड है? केवल 3 दिन रिमांड है। सुन सकते हैं कि एसपी यादव हैं जो एसपीओ हैं लखीमपुर खीरी जिले के, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया है। 14 दिन की मांग की गई थी, लेकिन सिर्फ 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। साथ ही साथ कई शर्तें भी लगाई गई हैं, जैसे कि अधिवक्ताओं की मौजूदगी रहेगी जब भी आशीष मिश्रा से पुलिस टीमें पूछताछ करेंगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखीमपुर खीरी। तो बड़ी खबर इस समय की, कोर्ट के द्वारा 3 दिन की रिमांड पर भेजे गए आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं लखीमपुर हिंसा मामले में। 8 लोगों की जान गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने पूरी सुनवाई के बाद 3 दिन की रिमांड पर आशीष मिश्रा को भेजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।